तो 14 अगस्त के दिन श्रीनगर के लाल चौक पे वहाँ के लोगों को एक अनोखा वाक्य देखने के लिए मिला, जहाँ पे श्री धर्मेंद्र बड़थवाल, जो कि एक पूर्व सैनिक भी हैं और साथ ही साथ डिफेंस कॉलोनी तेलीबाग लखनऊ के निवासी हैं, उन्होंने एक कीर्तिमान हासिल किया और एक नारा बुलंद किया। इस कार्य को करके उन्होंने लोगों को बता दिया कि एक देश और एक तिरंगा। तो ये कार्य जो उन्होंने किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चौक पर एक दिलचस्प वाकया हो गया। यहाँ सेना का एक पूर्व जवान लखनऊ से मोटरसाइकिल से तिरंगा फहराने पहुंच गया, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे लाल चौक तक पहुंचने नहीं दिया। लेकिन उत्साह ऐसा कि ये युवक पुलिस बैरिकेडिंग के पास ही तिरंगा लहराने लगा। सर, मैं लखनऊ से बाई रोड आया हूँ बाइक से। आज 14 तारीख को इसलिए मैं एक्चुअली में लहराना चाहता हूँ कि जैसे पाकिस्तान ने बोला था कि मैं काला दिवस मनाऊंगा, तो हम कह रहे हैं आप काला दिवस मंगाने पीला, हमारा तो राष्ट्र है भाई, हम तो यहाँ फ्लैग होस्टिंग करेंगे, तो फ्लैग लेकर आया था होस्ट करने। तो कल जब ये अपना लक्ष्य प्राप्त करके अपने निवास स्थान पर पहुंचे, तो उस समय कॉलोनी वाले काफ़ी हर्ष उल्लास से भरे हुए थे और वो काफ़ी खुश थे कि इन्होंने सबसे पहली बार अपना राष्ट्रध्वज जाके अपनी ही श्रीनगर की खूबसूरत धरती पर फहराया, और उन्होंने इनका स्वागत काफ़ी ज़ोरदार और ढोल नगाड़ों के साथ किया, जो आप अपने सामने देख सकते हैं। ये कार्य करके इन्हें पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब दिया, और जिसके लिए मैं इन्हें तहे दिल से सलूट करता हूं। और साथ ही साथ अगर आपको इनका ये कार्य पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आता है तो मैं एक लाइव इंटरव्यू इनके साथ रखूँगा, जिसमें आपको इनका जो एक्सपीरियंस है वो ये आपके साथ शेयर करें, इस चीज़ की कोशिश रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने पर आप एक मुंहतोड़ जवाब उनको भी देंगे, जो 370 के हटने के विरोधी हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी एक मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और उन्हें पता चलेगा कि हम सब एक साथ हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन को दबाने के साथ साथ। फिर अगले वीडियो को लेकर मैं जल्द ही आपके सामने हाजिर हूँगा। जय हिंद, जय भारत।